ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए। जी हाँ, मार्च महीना पाइसेस के लिए कुछ खास है। हैप्पी बर्थडे टू डियर पाइसेस। ये आपकी रीडिंग है और हम इस रीडिंग में देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं मार्च मंथ में फॉर ऑल अवर लवली पाइसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट। और आगे बढ़ने से पहले जो लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। ओके, सो मैं जब कार्ड शफल कर रही थी तो मेरे पास ब्लेसिंग्स ऑलरेडी आ चुकी हैं पाइसिस के लिए। तो यहाँ पे माता भूमि की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आप देख सकते हैं। तो इनको आप रिसीव कीजिए। तो माता भूमि की जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अब वो ब्लेसिंग्स क्या हैं? आप देख सकते हैं, मदर अर्थ, फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, प्रोफ्यूजन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिविटी, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप नेचर के साथ बहुत कनेक्ट कर सकते हैं। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ इन योर लाइफ, कि आपकी लाइफ में अब चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, फाइनेंस हो, आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपकी लाइफ में आप वो एक्सपीरियंस करेंगे दैट यू नो एक्सपेंशन ऑन एंड ग्रोथ जो आप चाह रहे हैं। अब अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, वो किसी भी सेक्टर में हो सकती है। सो माता भूमि जो कि धर्म पत्नी है विष्णु भगवान की, तो आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग्स भेज रही हैं, फुल ऑफ स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ इन योर लाइफ। जी हाँ, एक स्टेबल एनर्जी आप महसूस कर सकते हैं। विद आउल सिंबल फाइनेंसेस आपके अच्छे हो सकते हैं। और यहाँ मुझे हेल्थ वाइज भी अच्छा टाइम दिखाई दे रहा, हो सकता है आप कोई हेल्थ प्रोग्राम आप पिक कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छा हो सकता है। सनराइज, दैट मीन्स दैट हो सकता है लॉट ऑफ पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस इन द फैमिली, ठीक है। पॉजिटिविटी लेके आ रहा है, हैप्पीनेस, यू वॉन्ट टू सेव मनी, और कुछ के लिए हो सकता है इट्स ऑल अबाउट यू नो ग्रोथ इन योर लाइफ। तो ये बहुत ही अच्छी ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स हैं, इनको रिसीव कीजिए। एंड ऑफकोर्स इट्स ऑल्सो अबाउट ब्यूटी रिलेटेड टू समथिंग यू नो इनर ब्यूटी एंड आउटर ब्यूटी इन योर लाइफ जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं ऑफकोर्स। नाउ उसके साथ क्या है, माता सरस्वती की भी ब्लेसिंग्स आ रही है, ठीक है। अब इसमें क्या है दैट अगेन कुछ सीख सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ नॉलेज गेन कर सकते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हो सकता है आप स्टूडेंट हैं या कुछ वट एवर, यस। तो इट्स अबाउट गेनिंग विजडम, नॉलेज एंड स्ट्रेंथ, ठीक है, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। चलिए और देखते हैं आगे। अब हम रिलेशनशिप और करियर की बात करेंगे, ठीक है। चलिए रिलेशनशिप सेक्टर में अभी सिचुएशन क्या है, लेट्स फाइंड आउट। ये देख लेते हैं कि अभी सिचुएशन, ओके, सो सिचुएशन ये है दैट पाइसेस बर्डन है, ठीक है, दैट यू आर बर्डनड। हो सकता है कि पाइसेस कई लोगों की आपके ऊपर नजर हो, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। बट ये जब रिलेशनशिप सेक्टर की बात आ जाती है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट चैलेंजेस, कि आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। अब हो सकता है कुछ के लिए इट्स अबाउट कि आप पास्ट बर्डन्स में से निकलने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, यू नो उसमें से निकलना चाहते हैं वंस एंड फॉर ऑल, ठीक है। अपनी लाइफ में हो सकता है पर्सनली आप अच्छा कर रहे हैं, प्रोफेशनली आप अच्छा कर रहे हैं, बट जब बात आ जाती है रिलेशनशिप की तो वहाँ मुझे थोड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है, थोड़ी सी ऐसा लग रहा है आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। चलिए आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे। और यहाँ एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि ये रीडिंग जो है मार्च मंथ के लिए, यानी कि अब से लेके मार्च मंथ, ठीक है। तो जो भी वीकली रीडिंग आप देखना चाह रहे थे वो इसी में इंक्लूडेड है, फ्रॉम नाउ अप टिल मार्च, ओके। तो ये हम बात कर रहे हैं। चलिए तो यहाँ हम लव लाइफ की बात कर रहे हैं, ओके। सो यू हैव ऑफकोर्स आपके वो मन में वो पैशन है, ठीक है, वो इमोशन है, और हो सकता है किसी से आप बात कर रहे हैं, आप बात करना चाह रहे हैं। हो सकता है लाइक कोई स्पेसिफिक है, कोई स्पेसिफिक पर्सन है आपकी लाइफ में जिनके लिए आप वेट कर रहे हैं,
है, ये आपके मन में है, हो सकता है कोई फायर साइन हो, कोई वाटर साइन हो आपकी तरह, ठीक है, लेकिन शायद ये जो पर्सन है इनके आप ऑफर का वेट कर रहे हैं, लाइक यू आर वेटिंग फॉर, ऐसा लगता है कि लोग हैं आपके अराउंड, ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं या कुछ है, बट देयर इज समथिंग स्पेसिफिक, कुछ स्पेसिफिक है जो आप ढूंढ रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं, वो चीज मुझे दिखाई दे रही है, एंड आपको लगता है कि यस वहीं से आपकी लाइफ में वो चेंज आएगा। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, ऑफ कोर्स ये एक थर्ड पार्टी कनेक्शन है, अब थर्ड पार्टी कितनी बार मैं बता चुकी हूँ, और इससे बेहतर तरीका क्या होगा, दैट मे बी कोई और है आप लोगों के बीच में, ठीक है, और या वो हार्ट ब्रोकन है, वो बहुत स्लो है ये पर्सन, ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी स्टेप लेने वालों में से नहीं है, बहुत सोचते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं, इनकी इंटेंशंस क्या है, सेवन ऑफ सोर्ड्स, वेरी मैन्युपुलेटिंग, तो आप जिनके साथ भी डील कर रहे हैं, ये एक बहुत ही मैन्युपुलेटिंग टाइप ऑफ अ पर्सन है, स्नीकी मैन्युपुलेटिव, जब इनको जरूरत होती है तो ये आपकी तरफ आ जाते हैं, जब इनको जरूरत नहीं होती है तो ये गायब हो जाते हैं, ठीक है, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है अभी राइट नाउ एट द मोमेंट, ठीक आपके बारे में कैसा फील करते हैं, आई थिंक बात वही है कि वो स्टेप फॉरवर्ड करना चाहते हैं, ठीक है, बट उनके अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपने इश्यूज हैं, दे वॉन्ट टू बी विद यू, या कुछ के लिए हो सकता है दैट टू पीपल आर थिंकिंग अबाउट पाइसेस, दो लोग हैं यहाँ पे जो आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, अब आप किसके बारे में सोच रहे हैं यू नो, बट यहाँ दो लोग हैं, हो सकता है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप वेट करें, या ये टाइम ले रहे हैं, ठीक है, और ये चाहते हैं कि आप इनका वेट करें, ऐसी एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, बिट्रेयल वाली एनर्जी है, और हो सकता है कि उनको भी कोई डाउट है, कोई फियर है, ठीक है, कि आप उनको छोड़ देंगे, उनको ऐसा महसूस हो रहा है शायद, ठीक है, सोलमेट वाइब्स भी आ रही है मुझे यहाँ पे, कोई है जो आपको पसंद भी करता है, बट ये प्रॉब्लम ही यही है इनकी, इस पर्सन की दिक्कत ही यही है कि यस ये आपको टाइम टू टाइम ना मैन्युपुलेट करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं कि क्या चल रहा है, क्या यू नो क्या हो रहा है, एक्चुअली भी देखते हैं कि इस पर्सन की एक्चुअल फीलिंग्स क्या है, ठीक है, पाइसिस के लिए, और क्या ये स्टेप फॉरवर्ड करेंगे, पाइसिस जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, प्लीज एंजल्स हमें उनकी जेन्युइन फीलिंग्स क्या है पाइसिस के लिए ये बताइए, नो वन कंपेयर्स टू यू, तो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि आपकी जो तुलना है वो किसी से नहीं की जा सकती, ठीक है, आपका जो कंपैरिजन है पाइसेस वो किसी से नहीं किया जा सकता, उन्होंने इतना मिस किसी को नहीं किया जितना वो आपको करते हैं, ठीक है, और उनको ये भी लगता है कि वो आपके बिना इनकम्प्लीट है, ओ वाओ यू आर माय सोलमेट, ये भी महसूस करते हैं कि ऑफ कोर्स कि आप उनके सोलमेट हैं, सो कोई है आपके अराउंड पाइसेस जिनको ये महसूस होता है कि आप उनके सोलमेट हैं, वट आई एम टूडे इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, हो सकता है कि आप लोग बात करते हैं, हो सकता है आप जब मिले हो तो इस पर्सन की लाइफ में कुछ चेंजेस आए हो, ठीक है, या ऐसा वो महसूस करते हैं कि वो जो भी कर पा रहे हैं लाइफ में, जो भी है वो आपकी वजह से है, कुछ लोगों के लिए है, थैंक यू फॉर द रीजन आई स्माइल, आपको थैंक यू कहना चाहते हैं, ठीक है, कि आपकी वजह से वो स्माइल करते हैं, हैप्पी रहते हैं, क्या नहीं बताते, दे वॉन्ट टू सी यू, हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे से मिले ना हो, या मिल ना पा रहे हो, या बात ना कर पा रहे हो, ठीक है, दे वॉन्ट टू सी यू एक्चुअली, आपसे मिलना चाहते हैं और देखना चाहते हैं आपको, एंड दे ऑल्सो आर वरिड अबाउट यू, तो ये सारी चीजें हैं जो आपके पर्सन जो है वो आपसे कहते हैं, आपसे शायद हो सकता है आपसे छुपाते भी हो, और क्लियरली आपको ना बता पा रहे हो कि उनके मन में आपके लिए ये फीलिंग्स हैं, और उनके मन में ये बातें चल रही है आपके लिए, राइट, आपके जो पार्टनर है, ओके, सिंगल्स के लिए, जो लोग टोटली सिंगल हैं उनके लिए क्या है, वाओ एम्प्रेस एनर्जी वी आर गेटिंग, दैट मींस कि पाइसेस जो टोटली सिंगल है वो खुद पे यू नो बहुत ज्यादा फोकस्ड है, खुद पे काम कर रहे हैं, एंड जो भी अपने लाइफ में जो चैलेंजेस हैं उनमें से निकल रहे हैं, सो इट्स अ गुड थिंग, अच्छी है, मतलब ऐसा नहीं है आपकी तरफ प्रपोजल्स तो आ सकते हैं, बट मे बी यू आर नॉट पिकिंग अप, मुझे ऐसा लग रहा है आप खुद ग्रोथ पे, जब तक आपको आपकी चॉइस का कोई नहीं मिलेगा आप तक तब तक शादी नहीं करेंगे, एंड मोर ओवर मुझे यहाँ पे कुछ लॉन्ग टर्म दिखाई दे रहा है, मे बी यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन अ शॉर्ट टर्म
आप किसी भी शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं है, कुछ लॉन्ग टर्म है और कुछ लॉन्ग टर्म ही आएगा, तब तक के लिए मुझे लग रहा है कि आप वेट कर रहे हैं। इट्स अबाउट दैट दैट यू आर वेटिंग फॉर अ राइट पर्सन, कि कब वो चीज़ आएगी और कब आप आगे बढ़ पाएंगे। और बाकी सबके लिए ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। सो येस ऑफ कोर्स हो सकता है पाइसेस कोई है पर्सन आपके अराउंड, ठीक है। हाँ, एक ज़रूर मैं ये चीज़ देखना चाहूँगी कि जिस पर्सन के साथ भी आप डील कर रहे हैं, ठीक है, उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स यू, उनके फ्यूचर एक्शंस क्या हो सकते हैं, और ये रिलेशनशिप किस और बढ़ रहा है, अब से लेके मार्च महीने तक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है पाइसेस जिससे डील कर रहे हैं, और नेक्स्ट वेयर इज दिस रिलेशनशिप हेडिंग। ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी फिलहाल मुझे यहाँ डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, कोई स्पेसिफिक मूव नहीं है, ठीक है, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं कोई मूव नहीं स्पेशल ले रहे। हाँ, बट अगर आप बात करें कि वेयर इज दिस हेडिंग, देन आई एम गेटिंग दैट ये कंटिन्यू होने वाला है ऐसे ही, रिकन्सिलिएशन, दैट मीन्स कि हो सकता है वो ऑन ऑफ कुछ चलता रहे या आप लोग यू नो रिकनसाइल कर सकते हैं। बट अगेन मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, यहाँ एक वो थर्ड पार्टी वाली एनर्जी है जो आपके पर्सन को स्टक रख रही है, इसी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, थर्ड पार्टी, इन लॉज हो सकते हैं, या हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई और हो, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस वजह से तभी वो लूप में घूम रहा है, ठीक है, या कोई और प्रॉब्लम्स हैं, तो कंटिन्यू रहने वाला है ऐसे ही वो ऑन ऑफ वाला, जब तक चीज़ें क्लियर ना हो जाए। तो हो सकता है आपके पार्टनर बता भी नहीं रहे हैं, ठीक है, दे आर वेरी साइलेंट बहुत ज़्यादा, तो आपको वेट करना होगा, ठीक है, आपको कुछ क्लैरिफाई भी नहीं कर रहे हैं। चलिए अब हम फटाफट से बात कर लेते हैं करियर की, कि पाइसिस का करियर कैसा रहेगा आने वाले टाइम में। ओके पाइसेस, सो करियर की अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ पे सक्सेस यानी कि विक्ट्री दिखाई दे रही है फॉर ऑल द पाइसेस पीपल। आई थिंक कि आप अचीव करने वाले हैं जो आप चाह रहे हैं, जैसे आप चाह रहे हैं, यू नो इट्स ऑल अबाउट अचीवमेंट, विक्ट्री का कार्ड है, ब्रेक थ्रू का कार्ड है। सो एक नया लेवल, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है लेवल ऑफ सक्सेस, लेवल ऑफ गेटिंग व्हाट यू वांट, ये जो आप डिजायर कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अचानक से कोई ऑफर लेटर आ सकती है, मैसेंजर, यू नो वी आर गेटिंग, तो हो सकता है कि कोई खबर आप तक आ सकती है जो आपको हैप्पी, खुश कर सकती है। कुछ के लिए हो सकता है ये एक नई जॉब और अ नया लाइक और अ नया नहीं और अ न्यू प्रोफाइल, ठीक है। और कुछ के लिए ये हो सकता है कि इट्स ऑल अबाउट दैट व्हाट यू वांट, आप क्या चाह रहे हैं अपने करियर में, एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है, ठीक है। लाइक मान लीजिए आपके सर्ट लाइक एक कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, यू नो लाइक आपको लग रहा है दैट वाओ योर लाइक पोजिशन इज सिक्योर्ड। अगेन रेड स्टार्टिंग में भी हमारे पास माता भूमि की ब्लेसिंग्स थी, तो इट्स ऑल अबाउट स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ इन योर करियर, और यहाँ पे भी मुझे वही दिखाई दे रहा है कि एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट। सो आप एज अ ब्लेसिंग, येस ऑफ कोर्स मजिशियन, ऑफ कोर्स आप यू हैव दैट पोटेंशियल, या यूँ कह लो कि इट्स ऑल अबाउट द डिवाइन ब्लेसिंग्स कमिंग थ्रू फॉर योर करियर। तो मार्च महीने में तैयार हो जाइए, कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, पॉजिटिव फेवरेबल आपके लिए, जो आगे चल के आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है, और आपके कुछ गोल्स हैं तो डेफिनेटली आप मुझे लगता है वो अचीव कर रहे हैं। एंड ऑल्सो अ पावर पोजिशन, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी पोजिशन अच्छी हो सकती है, स्ट्रांग, आई मीन लाइक मान लीजिए कि आप पोजिशन चेंज जैसे होता है, लाइक यू नो कि पीपल आर लुकिंग अप टू यू, और हो सकता है यू आर अ वेरी कॉन्फिडेंट एंड मेच्योर यू नो इन योर वर्क, और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, और लोग आपकी राय मांग रहे हैं और जो करना चाह रहे हैं। अगेन यहाँ पे भी रेड, सो रेड रेड एनर्जी इट्स ऑल अबाउट फायर एनर्जी, और वो आपके काम में भी दिख रही है, एंड यू आर गेटिंग दैट सक्सेस, सो अगेन अ वंडरफुल एनर्जी। अब एक चीज मैं देखना जरूर चाहूंगी कि पाइसेस व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, कौन से सेक्टर पे आपको काम करने की जरूरत है पाइसेस, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। ओके, तो पाइसेस जो भी आप काम करते हैं आप ये सोच के कीजिए कि येस इट कैन हेल्प यू एंड अदर्स एज वेल, सर्विस ऑफ गॉड, सर्विस ऑफ मैनकाइंड, एनी थिंग, ठीक है, वो आपके लिए बहुत अच्छी है। एंड ट्रस्ट,
आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी। जो आपकी अंतर आत्मा जो आपको दे रही है आवाज़, उसको सुनिए, क्योंकि वो आपको बिल्कुल सही गाइड की करेगी। एंड पाइसेस आर वेरी इंट्यूटिव पीपल, आपकी इंट्यूशन जो है वो स्ट्रांग होती है, तो अगर आपको आपकी इंट्यूशन कुछ गाइड कर रही है तो उसको सुनिए, उसको समझिए, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। सो गाइडेंस ये है दैट ऑफकोर्स फ्री योर सेल्फ, जो खुद का ही केज आपने बनाया होना है उसमें से अपने आप को बाहर निकालिए एंड चेंज, गो विद द चेंज, गो विद द फ्लो। डरिए मत, घबराइए मत, ठीक है। हो सकता है कि आपको चेंज से डर लग रहा हो और यू आर फियरफुल, आपको लग रहा है कि नहीं, क्योंकि पास्ट में बहुत कुछ हो चुका है, तो स्टिल यू आर सम वे होल्डिंग ऑन टू पास्ट। या जो आपको ऐसा लगता है कि अरे पास्ट में ऐसा हो चुका है, दोबारा कहीं ऐसा ना हो जाए, नो, दिस इज होल्डिंग यू बैक। ये आपकी सोच नहीं होनी चाहिए, आपकी सोच होनी चाहिए दिस वेरी शेयरिंग, केयरिंग। अगेन देखिए रेड एनर्जी, वाओ, अगेन माता भूमि जैसे वो अपनी जगह पे है वैसे ही दिस इज द कार्ड, ठीक है। अगेन तो इसको भी मैं उनकी ही ब्लेसिंग्स समझूंगी कि आपका पर्पस कुछ और है, आप लाइफ में कुछ और, ठीक है। तो बी केयरिंग, बी शेयरिंग एंड डू लॉट ऑफ थिंग्स आउट ऑफ लव, ओके। और यस, यही कहूंगी मैं, यही कहना चाहती हूँ पाइसेस को कि ऑफ कोर्स सीखिए, जो आपने जो फेस किया है उससे सीखिए। अब आप डिफरेंट जोन में है, ठीक है, आप बहुत कुछ कर रहे हैं। सो इट्स ऑल्सो अबाउट लाइट पर्पस और मे बी हार्ट चक्रा हीलिंग, और हो सकता है इट्स ऑल्सो अबाउट दैट कि आपका लाइफ पर्पस कुछ और है, लाइक और है। और जितना ज़्यादा आप खुद लोगों की भी हेल्प करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है, और आपके खुद के लिए भी। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।